स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो आज स्टूडेंट मैं इंग्लिश स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक का है चैप्टर नंबर 3 और यूनिट 3 के चैप्टर नंबर 3 टोटो द हैंड आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ यहाँ पे टोटो जो कि एक हैन का नाम है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में, इस स्टोरी में और इस चैप्टर में। लुक लिसन एंड रीड अलाउड। यस, बुक रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जब भी मैं रीड करती हूँ तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, कौन से वर्ड को कैसे और कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन उसका कैसे करना है, कैसे बोलना है, तो और उसके हार्ड वर्ड्स भी आपको लर्न करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर बहुत ही प्यारा सा टोटो द हैन, सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है ये चैप्टर। देखिए यहाँ पर एक बॉय दिख रहा है स्टूडेंट आपको, इसका नाम है रहीश। ओके, दिस बॉय नेम इज रहीश। अब देख रहे हैं आप, इसके पास एक बहुत ही प्यारी सी एक हैन है, लाइक पेट हैन जिसे हम पालते हैं, तो बहुत ही प्यारी सी एक हैन लिया हुआ है उसने। तो चलिए देखते हैं दोनों की स्टोरी हम लोग रीडिंग करते हैं। रहीश हैड अ पेट। यस, रहीश के पास एक पेट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको पेट का मतलब बताती हूँ, जिसे हम पालते हैं अपने घर में रखते हैं उसे हम पेट कहते हैं, पेट एनिमल या पेट बर्ड जो भी है। इट वॉज अ ब्लैक हैन। यस, रहीश हैड अ पेट। रहीश के पास एक पेट थी। इट वॉज अ ब्लैक हैन, जो कि एक ब्लैक कलर की हैन मीन्स मुर्गी थी। ओके, फीमेल होती है, ये एग देती है तो हैन कहते हैं उसे। अगर मेल होते तो उसे कॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे हैन है जो कि एग देती है। हर नेम वॉज टोटो। यस, वो जो पेट हैन थी रहीश के पास उसका नाम क्या था स्टूडेंट? टोटो। बहुत ही प्यारा सा नाम है, आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। टोटो सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, टोटो। हर नेम वॉज टोटो। ओके, सो रहीश हैड अ पेट। इट वॉज अ ब्लैक हैन। हर नेम वॉज टोटो। उसका नाम क्या था? टोटो। तो आपको अभी इस पैराग्राफ में ये पता चल गया कि एक रहीश है, उसके पास एक पेट हैन है जिसका नाम टोटो है। ओके, और जो हैन होती है उसके साउंड को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? कॉक कॉक कॉक। ओके, क्या बोलती है वो? कॉक कॉक कॉक। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है KOK KOK KOK। सो कॉक 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 का साउंड क्रिएट करती थी वो। टोटो लिव्ड इन अ कूप। ये स्टूडेंट, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे हम कूप कहते हैं, उसके होम को या उसके शेल्टर को हम कूप कहते हैं। कूप की स्पेलिंग भी बहुत इजी है, COOP, कूप। सो टोटो लिव्ड इन अ कूप। टोटो कहाँ पर रहती थी? एक बहुत ही प्यारे से छोटे से कूप में रहती थी। आगे मैं आपको उसका कूप भी दिखाऊंगी, आगे है उसके कूप कैसा दिखता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। टोटो वॉज अ वेरी स्मार्ट हैन। यस, टोटो कैसी हैन थी? बहुत ही स्मार्ट हैन थी। यस, जैसे कि हम जो भी पेट एनिमल हम पालते हैं वो उसे हम सिखाते हैं, वो हमारे साथ रहते रहते अगर हम उसके साथ जैसा बिहेव करेंगे वो स्मार्ट बन जाती, सब कुछ हमारी चीजों को सीखने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो हैन थी वो भी बहुत ही स्मार्ट थी, रहीश की हैन। देखिए यहाँ पे कॉक 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 का साउंड क्रिएट करी है। सो रहीश यूज टू गिव फूड टू हर एवरी डे एंड प्लेड विथ हर। जब कभी उसे भूख लगती तो वो कॉक 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 की साउंड क्रिएट करती और रहीश को समझ में आ जाता कि उसे भूख लगी। जैसे एक छोटे बेबी, एक मदर को उसके छोटे बेबी को भूख लगती है तो वो क्राइंग करता है, रोता है, तो उसे पता चलता है। सेम वही रहीश को भी कॉक कॉक की आवाज, उसके साउंड, कॉक कॉक तो हमेशा करती पर उसका जो साउंड एक आता था उससे उसे ये समझ में आ जाता था कि उसे भूख लगी है। तो वो उसे एवरीडे खाना देता था और उसके साथ खेलता था। दे बिकम गुड फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे वो लोग कैसे बन गए थे? बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। व्हेन टोटो लेड एन एग। एक बार क्या हुआ कि जो टोटो है उसने कुछ अंडे दिए। ओके, शी यूज टू मेक अ स्पेशल साउंड कॉक कॉक कॉक। जब उसने अंडे दिए तो उसका जो साउंड था वो तो कॉक कॉक का ही साउंड करेगी, हर चीज पे उसका साउंड जो है वो कॉक कॉक ही निकलेगा, बट उसको बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। ओके, जैसे हम कभी बीमार होते तो हमारी आवाज बहुत स्लो निकलती है, या बहुत एक्साइटेड होते तो बहुत लाउड निकल जाती, तो ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है। कुछ स्पेशल आवाज उसकी आ रही थी कॉक कॉक की। देन रहीश केम आउट एंड फेड टोटो एंड टुक द एग फॉर हिम। तो रहीश को पता चल गया कि उसने एक एग दिया है, सो उसने क्या किया कि रहीश कम आउट, बाहर आया, उसको खाना दिया और उसका जो है एग उसने ले लिया टोटो, एंड टुक द एग फॉर हिम। वन नाइट रहीश वॉज स्लीपिंग इन द बेड। एक रात क्या हुआ कि जो रहीश है वो बेड पे सो रहा था। ही हर्ड द स्पेशल साउंड ऑफ टोटो। फिर से उसने उसको सुनाई दिया, एक स्पेशल साउंड सुनाई दिया टोटो का, सेम कॉक कॉक कॉक, कुछ
अलग तरीके से, जैसे डर से जो आवाजें निकलती है ना, उस तरीके से कुछ। रहीश केम आउट फ्रॉम द हाउस, और रहीश ये आवाज सुन के भागा चला आया। टोटो रेन टू रहीश, टोटो भाग के किसके पास जा रही थी, रहीश के पास, एंड पैक्ड हिज लेग, और उसका जो पैर है वो खींच कर लेकर आ रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी। रहीश लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट हैपेंड, रहीश ने देखा कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रही है टोटो बिहेव। ही स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, यस कुछ तो जलने की बदबू आ रही थी, ओके कुछ तो जल रहा था, तो चलिए देखते हैं वो क्या जल रहा था। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है जलने की, तो इसे और क्लियर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ, यही इसका कूप है, देखिए ध्यान से अगर आप देखते हैं जूम करके तो ये कूप नजर आएगा आपको। एक्चुअली उसका कूप बर्न हो रहा था, ओके। ओ माय गॉड, द कूप इज ऑन फायर, क्या हो गया, कूप में आग लग गई थी। He shouted, the coop was in a mess. और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कूप क्या हो गया, पूरा मैश हो गया, जल की पूरा राख हो गया है। रहीश ran to the tap of water and took the pipe. रहीश ने क्या किया, रहीश भाग कर गया और नल से एक पाइप लेकर आया और नल को पानी चालू करके उसने पूरा पानी उसके ऊपर डाल दिया। Then he showered the water and put off the fire. उसके ऊपर पूरे पानी का शावर किया उसने और आग को बुझा दिया। Then रहीश bent and picked up टोटो, और रहीश ने बैंड होके टोटो को उठाया अपने हाथों से। यू स्मार्ट हैंड माई डियर फ्रेंड, यू हैव सेव्ड माई फार्म, सेड रहीश। रहीश बहुत ही खुश हो गया अपनी स्मार्ट हैंड से और कहा कि मेरी प्यारी फ्रेंड, तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा फार्म बच गया। अगर सही समय पे जो टोटो थी उसने आवाज नहीं लगाई होती या रहीश को नहीं लेकर गई होती खींच के, तो पूरी आग जो है उसके पूरे फार्म में फैल गई होती और उसके सारा जो भी फार्म का जो भी खेती वगैरह थी, जो भी उसने उगाया हुआ था, वो सब खराब हो जाता। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है उससे। टोटो हैप्पीली रिप्लाई टू रहीश, और टोटो भी समझ जाती है कि रहीश मुझसे बहुत हैप्पीली। देखिए स्टूडेंट, जो भी हम पेट को पालते हैं वो हमारी सारी लैंग्वेज सब, मतलब भले उसे नहीं आती बट वो हमारे हाव भाव से समझ जाती कि सामने वाला उसके साथ क्या कर, क्या बिहेव कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, खराब बोल रहा है, उसे सब समझ में आता है। सो टोटो ने भी हैप्पीली रिप्लाइड किया रहीश को, कॉक कॉक कॉक, बहुत ही प्यार से कॉक 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 का साउंड क्रिएट किया, जिससे कि वो अफेक्शन दिखा रही थी अपने रहीश के लिए। ओके सो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये जो स्टोरी है प्यारी सी रहीश और टोटो की ओवर होती है। आई होप स्टूडेंट आपको स्टोरी सुन के बहुत ही मजा आया होगा, तो क्वेश्चन आंसर भी फटाफट से लर्न हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको इतनी अच्छे तरीके से ये चैप्टर की स्टोरी बता दी है कि आप आंसर तो फटाफट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसके हार्डवर्ड्स देख लेते हैं। हार्डवर्ड्स लर्न करना वेरी इंपॉर्टेंट, जितने आपको हार्डवर्ड्स लर्न रहेंगे उतना आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में और लिखने में ईजी होगा। सो फर्स्ट हमारा एम होता है हार्डवर्ड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीईटी पेट, यस पीईटी पेट, जिसे हम पालते हैं उसे पेट कहते हैं। एल आई वी ई डी लीव्ड, यानी रहता था या रहती थी, ओके लीव्ड। स्मार्ट, बहुत ही बुद्धिमान, एस एम ए आर टी स्मार्ट। एग, ई डबल जी एग मीन्स अंडा। हैन, मुर्गी, एच ई एन। एवरी डे, हर रोज, ई वी ई आर वाई एवरी डी ए वाई डे एवरी डे। फेड, एफ ई डी फेड, फेड मीन्स खाना। BED bed, bed means bistar. WENT went, went means jana. Shout, SHOUT shout, chillana. Burning, BURNING burning. FIRE fire, burning means jalna, fire means aag. Coop, COOP coop, hen ke ghar ko, shelter ko kehte hain. Pipe, PIPE pipe, पाइप तो आपको पता है जिसमें से वाटर आता है। टैप, नल, टीएपी टैप। फार्म, खेत, एफ ए आर एम फार्म। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे ये हार्डवर्ड्स हैं, आपको इसे लर्न करना है, बहुत ही इजी हार्डवर्ड्स हैं, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट या बड़े नहीं है। टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, आप चाहे तो ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई वो अपने घर में किसी को भी, अपने मम्मी पापा भाई बहन को अपने वर्ड्स में सुना सकते हैं आप लोग। रीड द स्टोरी एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आपने स्टोरी तो पढ़ ली है तो आप मुझे फटाफट से चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। टोटो वॉज अ डैश हैन, टोटो कैसी हैन थी, यस स्मार्ट हैन, आई होप आप सबको आंसर पता होगा, स्मार्ट हैन थी। रहीश यूज टू गिव डैश टू टोटो, रहीश उसे रोज क्या देता था, फूड, खाना। टोटो लेड एंड डैश, क्या लेड किया उसने, एक एग।
टोटो हैप्पीली रिप्लाई टू रहीश, और टोटो खुशी से रहीश को क्या रिप्लाई करी थी, कॉक कॉक कॉक, ओके कॉक 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 रिप्लाई कर रही थी। सो यहाँ पर भी ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो हो चुका है, तो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर होता है स्टूडेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मुझे तो बहुत पसंद है ये चैप्टर टोटो द हेन। सो इसका अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।